लालपुर गांव में रामचंद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी कपड़ों की दुकान थी और उसकी दुकान पर तीन नौकर थे। मोनू, तुम अपने घर गए थे ना? तुम्हारी बहन की शादी कैसी रही? बहुत अच्छे से हो गए मालिक। अगर आपने पैसों की मदद नहीं की होती तो पता नहीं क्या होता। ये तो सब ऊपर वाला करता है, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ। रामचंद्र बहुत दयालु था और सबकी मदद किया करता था। मोनू भाई, सेठ जी कितने अच्छे हैं। मुझे भी माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। मदद नहीं, बस एडवांस दिलवा दीजिए ना। अरे तुम खुद ही कह दो ना सेठ जी से, सेठ जी मना नहीं करेंगे। सबको इतनी आसानी से पैसे देते हैं? जरूर इस सेठ के पास बहुत ज्यादा पैसा है। अगर मैं कभी कुछ चुरा लूं तो इस सेठ को पता भी नहीं चलेगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। एक दिन रामचंद्र जी को हाथ में चोट लग जाती है, उनका हाथ सूज जाता है, तो वो अपनी हीरे की नई अंगूठी उतार कर दराज में रख देते हैं और भानु वो देख लेता है। अब तेरी किस्मत बदलने वाली है भानु बेटा। अगर ये हीरे की अंगूठी तेरे हाथ लग गई ना, तो ये लहंगा चोली के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अपनी भी एक दुकान होगी, तू भी दिन भर सेठ की कुर्सी पर बैठा रहेगा, तेरे आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे। सोचते सोचते भानु सपने देखने लगता है, उसे ये सब दिखाई देने लगता है। ओ भानु, क्या सोच रहा है? चल खाना खाने चलते हैं, सेठ जी भी आराम कर रहे हैं। तुम लोग जाओ यार, मेरा मन नहीं है। क्यों, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाई, मेरी तबीयत एकदम दुरुस्त है, बस कुछ करने का मन नहीं है। चल ठीक है, हम खाना खा के आते हैं। जैसे ही लोग बाहर जाते हैं, भानु मौका देखकर अंगूठी निकाल लेता है। शाम के समय, आज का हिसाब खत्म करो बच्चों, अब दुकान बंद करने का समय हो गया है। जब वे दराज खोलते हैं, अरे ये क्या, मेरी अंगूठी कहाँ गई? मोनू, भानु, भोला, तुम लोगों ने मेरे हीरे की अंगूठी कहीं देखी है क्या? कौन सी अंगूठी मालिक? क्या हुआ मालिक? अब कुछ नहीं, अब कल सुबह मिलते हैं। रामचंद्र रात भर सोचते रहते हैं। अगली सुबह, आज दुकान को दुल्हन की तरह सजाओ, हर आने जाने वाले का मुंह मीठा करवाओ, आज बड़ी खुशी का दिन है। ऐसी क्या बात है सेठ जी? दरअसल कई सालों पहले एक दिन मुझे एक हीरे की अंगूठी मिली, मैं उसे उठा के घर ले आया। उसी रात मुझे सपने में आकर एक बाबा ने श्राप दिया कि तूने पैसों के लालच में जो अंगूठी उठाई है, अब वही तेरा नुकसान करवाएगी। जब से वो अंगूठी मेरे पास थी, मुझे कहीं ना कहीं घाटा होता रहता था, घर में कोई ना कोई बीमार होता रहता था। पर कल वो अंगूठी किसी ने चुरा ली और वो चोर अंगूठी के साथ साथ श्राप भी ले गया। पर अगर ऐसा ही था तो आपने वो अंगूठी फेंक क्यों नहीं दी सेठ जी? अरे बाबा जी ने कहा था कि ना मैं उसे फेंक सकता हूँ, ना ही किसी को दे सकता हूँ, बस मुझे इंतजार करना है कि कोई स्वेच्छा से वो अंगूठी मुझसे ले ले। तो क्या आपका श्राप मुझे, मेरा मतलब उस चोर को लग जाएगा? बिल्कुल, अब वो बेचारा ना अंगूठी फेंक सकता है, ना किसी को दे सकता है। वैसे एक उपाय है। क्या उपाय सेठ जी? अरे तुम्हें क्या करना भानु भैया, अब चोर जाने और उसकी किस्मत। तू चुप कर, मैं तो ऐसे ही जानना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। दरअसल अगर पूर्णिमा की रात को चोर हमारी दुकान के पीछे वाले बरगद के नीचे अगर अंगूठी गाड़ दे तो वो श्राप से बच जाएगा। तो आपने क्यों नहीं ऐसा किया सेठ जी? तू मेरी जान ले ले। अरे भाई मुझे ये उपाय अभी पता चला, कल पूर्णिमा है, कल मैं उस अंगूठी को गाड़ने वाला ही था। लो कर लो बात, अब तो चोर गया काम से। भानु पसीना पसीना हो जाता है। रामचंद्र अगली रात बरगद के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं, तभी उन्हें एक परछाई आती हुई दिखती है। जैसे ही वो परछाई
पेड़ के नजदीक आकर गड्ढा खोदने लगती है। रामचंद्र जी सामने आ जाते हैं। मर गए रे, मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी। क्यों, क्या सोचने लगा भानु? माफ कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस शराब से मुक्ति चाहिए। ये क्या अगड़म बगड़म बोल रहा है? शराब से मुक्ति चाहिए तो प्रायश्चित कर और कसम खा, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। नहीं 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 नहीं, नहीं करूँगा मालिक, मुझे पुलिस को मत सौंपिएगा, चाहे नौकरी से निकाल दीजिए। मैं कल ही चुपचाप गाँव छोड़ के चला जाऊंगा, मैं नया काम देख लूंगा और कभी चोरी नहीं करूंगा। वादा? वादा मालिक, वादा। अरे भाई, अगर तुम वफादारी की कसम खाओगे तो मैं तुम्हें काम छोड़कर कैसे जाने दे सकता हूँ? आप सच में महान है मालिक, आप सच में महान है। महान तो वो ऊपर वाला है, अब चलो काम पर लग जाओ। शिक्षा, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए।